हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर बाइक। इसकी क्या थी दोस्तों, इसकी जो हब है, ये इसके या तो हब में प्रॉब्लम है या फिर बैरिंग में। इसको मैं एक बार हिला के दिखा दूँ। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कितना बैलेंस ले रही है दोस्तों। अगर इस तरह से हम पकड़ के अपने व्हील को हिला रहे हैं तो बहुत बैलेंस ले रही है। इसको खोल के देखेंगे, इसके हब खराब है या फिर बैरिंग खराब है, और जो इसका चैन सेट है वो भी खराब है। इसके हम वो भी चेंज करेंगे, हीरो का डालेंगे ओरिजिनल। जो चैन सेट खराब होने की क्या पहचान होती है, जो चैन होती है इस तरह से बहुत डेली चलने लगती है, और जैसे हम बाइक का पहिया जो होता है उल्टा घुमाते हैं, पहिया जब उल्टा घुमाते हैं तो इसमें से कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। ये आप देख पा रहे होंगे, तेज से घुमाओ, ये आप देख पा रहे होंगे कटर पटर की आवाज़ आती है ये। तो इसका क्या करने वाले हैं, इसका जो हब है उसको चेक करेंगे, हब खराब है या फिर बैरिंग, और जो इसका चैन सेट है उसको नया डालेंगे हीरो कंपनी का। तो सबको सबसे पहले इसको सबको खोल लेते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस का जो था चैन सेट पूरा निकाल दिया और उसकी बैरिंग वेरिंग सब निकाल दिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखा दूं, जो इस बाइक के अंदर पहले चैन सेट पड़ा हुआ था, रोलन का पड़ा हुआ था, ये भी बेकार नहीं होता, थोड़ी अच्छी कंपनी होती है। मगर आप डला रहे हैं तो आप हीरो कंपनी का चैन सेट डला दें। और इसके आप मैं दिखा दूं, ये बैरिंग की हालत देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, टूटा हुआ था, उसकी वजह से जो हमारे अलाउ व्हील उसमें बैलेंस आ रहा था। तो इसको हम नया बैरिंग डालने वाले हैं, और जो हमारा हाफ एक्सल है ये भी हम नया डालने वाले हैं दोस्तों। ये जो दो बैरिंग है इसके बील वाले ये खराब हो गए हैं, और जो हमारा हाफ एक्सल वाला ये बैरिंग होता है ये ठीक है, तो इसको हम नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, हम SCH कंपनी के इसके अंदर पहिए के अंदर हम बैरिंग लगाएंगे, और जो अपना चैन सेट है वो हीरो कंपनी का लगाएंगे। मैं ये दिखा दूं आपको दोस्तों, इस पे 715 रुपए की MRP है, आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इस पे 715 की MRP है, जेन्युइन पार्ट है हीरो का, और जो हमारा हाफ एक्सल है हम इसको भी चेंज कर लें। तो जो हमारे बैरिंग है सबसे पहले हम अपनी हब में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो इस सारे कबाड़े को हम कर देते हैं साइड और इसमें बैरिंग लगाते हैं, आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम नया बैरिंग लगा देते हैं, अपनी हथौड़ी की मदद से पूरा बैरिंग बिठा लेते हैं। अगर दोस्तों आप बैरिंग बिठा रहे हैं तो इसमें बीच में बिल्कुल चोट ना मारें, यहाँ पे साइडों में चोट मारें, यहाँ से क्या होगा बैरिंग फिक्स बैठ जाएगा, और बीच में चोट मारेंगे तो बैरिंग खराब होने के चांस हो जाते हैं। इसको पलट के हम रख लेते हैं, पहले इसके अंदर एक भोगली आती है वो लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह की ये भोगली होती है जो दोनों बैरिंगों के बीच में चलती है, इसको हम लगा लेते हैं। और अपना SCH कंपनी का ये बैरिंग है दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो इसकी सीट है ये ढीली हो गई है। ये किस वजह से ढीली हो गई है, जो बैरिंग था हमारा वो टूट गया था, कुछ इस तरह से ये टुकड़ों में बट गया था। मैं दिखा दूं आपको, ये आप देख पा रहे होंगे 3-4 टुकड़ों में बट गया था दोस्तों। इसकी वजह से जो हमारी हब है वो खराब हो गई है। अगर आपकी बाइक में अगर कंपन कर रही है, बैलेंस बाइक ले रही है, तो उसके बैरिंग आप चेंज करा दें, नहीं तो हब खराब होने के चांस हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो हब बनेगी नहीं, बहुत लंबा जाना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ इस प्रकार की हम इसके अंदर पत्ती लगा रहे हैं, ये जो हमारा बैरिंग है फिक्स आ जाएगा, इस तरह से हम लगा देंगे इसको, और जो अपना बैरिंग है उसको हम ठोक देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बैरिंग हो जाएगा होगा बिल्कुल जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको हम लगा लेते हैं और इसको ठोक लेते हैं। तो जो बैरिंग था देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये बिल्कुल जाम हो गया। और जो ये पत्ती है इसको हम काट लेते हैं।
आप ये देख पा रहे होंगे हमने दोस्तों पत्ती भी काट ली है और जो हमारा बैरिंग है अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो गया है। मैं आपको ये देख पा रहा हूँ, दिखा दूं, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। इस तरह से हमने ये दोनों बैरिंग लगा दिए हैं। इसकी कपलिंग लगा लेते हैं और इसमें चैन सेट डालेंगे आपको और दिखलाएंगे। तो दोस्तों इसकी एक एक करके हम कपलिंग लगा लेते हैं। पहले जल्दी से कपलिंग लगानी होती है हमें, उसके बाद में चैन स्पॉकेट वाला जो ड्रम होती है इसको रख लेते हैं और जो अपना हीरो कंपनी का ये चैन सेट है इनको कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। और जो इसके साथ में दोस्तों तीन ही आइटम आते हैं, जो एक पिछला स्पॉकेट होता है और एक चैन होती है और एक अगला स्पॉकेट होता है। तो हम सबको निकाल लेते हैं। ये हमारा अगला स्पॉकेट है, इसके अंदर चैन है दोस्तों और ये जो हमारा पिछला स्पॉकेट है तो इसको हम पहले लगा लेते हैं। और इसके इस तरह के 12 नंबर के दोस्तों चार नट होते हैं, इनको हम कर लेते हैं फुल्ली टाइट। पहले हाथ की मदद से ये टाइट करने होते हैं हमें, इसके बाद में अपनी गोटी की मदद से इनको करेंगे हम टाइट। जल्दी से इनको कर लेते हैं टाइट। तो दोस्तों यहाँ पे पैर रख लें आप, उसके बाद में टाइट करें तभी हमारे जो बोल्ट होंगे फुली टाइट होंगे। तो इनको हम जल्दी से कर लेते हैं टाइट। तो दोस्तों जो हमारे चारों बोल्ट थे ये हो गए हैं फुली टाइट। मैं आपको ये दिखा दूं, हमने गोटी की मदद से कर दिए हैं फुल टाइट। उसके बाद में ये बैरिंग है दोस्तों, ये हमारा वह पुराना ही है, इसके ये खराब नहीं हुआ है तो हम इसको ही लगाने वाले हैं। तो इसको लगा लेते हैं दोस्तों। बैरिंग लगाते समय यही आपको ध्यान देखना है, साइडों में लगानी है ना कि बीच में चोट मारनी है। और इसकी भोगली रख के हम बैरिंग को ठोक लेते हैं। बैरिंग हो गया हमारा फिक्स। इसके बैरिंग में हमने कर दिया दोस्तों ग्रीसिंग और इसकी ये सील होती है इसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद में ये नया हमारा हाफ एक्सल है इसको हम लगा देते हैं इसके अंदर। ये जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है, ये हम जो हमारी बाइक है उसमें लगने के लिए तैयार हो गए। बुश होता है इसका, ये लगाना बहुत जरूरी होता है, तो ये लगने के लिए तैयार हो गया। बाइक में लगाते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो उसके बाद में एक एडजस्टर होता है, एडजस्टर दो होते हैं दोस्तों, एक ये पतले होल का होता है और एक बड़े होल का। जो बड़े होल का होता है हमें हाफ एक्सल वाली साइड में ये लगा देना होता है। इस तरह से लगा लेते हैं। और इसका जो नट होता है हमारा 23 नंबर का ये नट होता है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नट था ये भी लगने के लिए तैयार हो गया, लग चुका है। उसके बाद में इसका बील लगाते हैं और पूरा चैन सेट लगाते हैं, आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली ज्योति हमारी स्प्लेंडर प्लस हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर हमने कर दिया इंस्टॉल चैन सेट, जो है हमारा हीरो कंपनी का सुपर वाला, इसके अंदर हमने चैन सेट इंस्टॉल कर दिया। और इसके अंदर जो हमारा अलाव व्हील है उसके बैरिंग ख़राब थे, उसके बैरिंग भी चेंज कर दिया हमने, ठीक हुए हैं। और जैसे ही हम अपने व्हील को हिला रहे हैं इस तरह से पकड़ के, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी प्ले नहीं आ रही है। जो हमारा हब की प्रॉब्लम आ रही थी वो हब की नहीं थी, बैरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो इसमें हमने चेंज कर दी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना है आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, ताकि हम नई वीडियो जब भी डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें एक प्यारा सा छोटा सा कर देना आपको कमेंट। और जो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।